हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, डेप्रिसिएशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट मेथड कर रहे थे, इंश्योरेंस पॉलिसी फंड मेथड। तो इंश्योरेंस पॉलिसी फंड मेथड में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट को भी समझा, जर्नल एंट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेम उसी क्वेश्चन का आज हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स ओपन करने वाले हैं, अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को फिर से एक सेम वही क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं, है ना, रिकॉल करवा देता हूं एक बार क्वेश्चन को। ए परचेज्ड लीज होल्ड प्रॉपर्टी फॉर ₹40,000 ऑन अप्रैल 1, 2010 फॉर 5 ईयर्स। मिस्टर ए ने ₹40,000 में एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदा है 5 साल के लिए। ही डिसाइडेड टू टेक अप सच पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी वेयर एनुअल प्रीमियम वॉज ₹7,600। 7,600 रुपये का एनुअल प्रीमियम 5 साल के लिए वो पॉलिसी में पैसा लगाना चाहता है, क्योंकि उसको एसेट्स को रिप्लेस करना है। जर्नल एंट्री करना है, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया है, और नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है, जो आज हम लोग करेंगे। तीन नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक तो हम लोग देख रहे हैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, एक बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर एक बनाना पड़ेगा आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। हम लोग जानते हैं कि जो जर्नल एंट्री है उसी का अगर हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो लेजर बन जाता है। तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाना है तो हम लोगों ने देखते हैं इसका जर्नल एंट्री क्या है। एक एंट्री दिख रहा होगा जो हर साल हम लोग कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट हो गया, क्रेडिट साइड में हम लोग करेंगे बाय पीएल अकाउंट। ये एंट्री होगा हम लोग को बाय पीएल अकाउंट, अमाउंट होगा 7,600। ये एंट्री हम लोग हर साल करेंगे। एसेट्स हम लोगों ने खरीदा था 1 अप्रैल 2010 को, और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 2011 को। तो डेट डालेंगे हम लोग 2011 31 मार्च। और दूसरा कोई भी एंट्रीज हम लोग को फर्स्ट ईयर के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो फिर टू बैलेंस सीडी 7,600 31 मार्च 2011 7,600। जितना हम लोगों ने सीडी किया है उतना ही हम लोग कर लेंगे, सॉरी बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 7,600 जो सीडी था उतना ही हम लोग बीडी कर देंगे, और डेट हो जाएगा 2011 अप्रैल 1। इस साल हम लोग फिर वही एंट्री करेंगे बाय पीएल अकाउंट, अमाउंट होगा 7,600, टोटल करेंगे 7,14 और 1 15,200। डेट होगा 2012 मार्च 31। टू बैलेंस सीडी अमाउंट हो जाएगा 15,200। डेट 2012 31 मार्च। फिर हम लोग कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी 15,200, इस साल का पैसा बाय पीएल अकाउंट 7,600। डेट होगा इसका 2012 अप्रैल 1, इसका डेट होगा 2013 मार्च 31। टोटल करेंगे ये 800 और 22,800। ये हो जाएगा, सॉरी, टू बैलेंस सीडी 22,800। डेट 2013 31 मार्च। अब हम लोग 2013 के अंदर अप्रैल 1 को फिर से बाय बैलेंस बीडी,
22,800 का अमाउंट 7,600 इस साल ट्रांसफ़र करेंगे बाय पीएल अकाउंट के नाम से। डेट हो जाएगा 2014 मार्च 31। टोटल करेंगे ये 422 और 719 और एक 20,400। 20,400 टू बैलेंस सीडी 2014 31 मार्च। इसके बाद कुछ साल और करना होगा हम लोगों को। हर साल हम लोग देखिए सीडी बीडी ट्रांसफर कर रहे हैं और पीएल में जो है अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए अब फिर से ये आपका 2014 को अप्रैल 1 को हम लोग कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 20,000। अरे यहाँ तो गड़बड़ हो गया जी, 22 और 7 29 हो जाएगा, 29 और 1 30, 30,000 होना चाहिए जी। है ना, ये 7 और 2 9 और 1 10 2 और 1 3 30,400। सॉरी आप करेक्शन कर लेना प्लीज, ये हो जाएगा 30,400। और फिर आपका ये 2015 लास्ट ईयर मार्च 31 को बाय पीएल अकाउंट 7,600 हम लोग फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस साल जो है ना पॉलिसी को हम लोग सरेंडर कर देंगे, सरेंडर कर देंगे पॉलिसी को तो पैसा मिल जाएगा। और लास्ट ईयर के लिए हम लोग करना पड़ेगा क्या, लास्ट ईयर फिर हम लोग ना ये पॉलिसी को हम लोग फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम लोग एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू लीज होल्ड पॉलिसी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन फंड डेबिट हो गया तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू लीज होल्ड पॉलिसी अकाउंट 40,000 में हम लोगों ने सरेंडर कर दिया है। ये हम लोग करेंगे 2015 मार्च 31 को 40,000 का टोटल। अब देखो जी 40,000 में हम लोगों ने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कितना किया है देखिए ध्यान से, देखिए आपको दिखेगा यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट अभी तक हम लोगों ने किया है 3400 प्लस 7,600 यानी 38,000 है ना। 38,000 का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, 40,000 हम लोग को मिल गया, तो 2,000 रुपये का जो डिफरेंस है यहाँ हम लोग डाल देंगे, इतना ही हम लोग को प्रॉफिट हो गया है। ये पैसा को हम लोग फंड में ट्रांसफ़र करते हैं और एंट्री हम लोगों ने किया है लीज होल्ड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। तो फंड में ही पैसा आना है, क्रेडिट हुआ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लीज होल्ड पॉलिसी अकाउंट सेम डेट को 2,000 रुपया, ये हमारा एक तरह का हो गया है प्रॉफिट। ठीक है चलो अब हम लोग बनाएंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। चलो जी लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट यानी ये हमारा बनेगा एसेट्स अकाउंट एक तरह से। ठीक है तो सबसे पहले जब हम लोग एसेट्स खरीदते हैं तो एंट्री हम लोग करते हैं लीज होल्ड पॉलिसी, जो भी एसेट्स खरीदेंगे तो लीज होल्ड हम लोग एंट्री करेंगे लीज होल्ड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पॉलिसी प्रॉपर्टी डेबिट हो गया है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 40,000 का हम लोगों ने एसेट्स खरीदा है। ये हम लोगों ने खरीदा है 2010 को अप्रैल 1 को। इसके बाद कुछ भी अब हम लोग लीज होल प्रॉपर्टी का तो एंट्री बस हम लोग लास्ट में अब करते हैं, बीच में तो कहीं एंट्री हुआ ही नहीं है, तो बस हम लोग हर साल अब सी डी बी डी करते रहेंगे। ये आ जाएगा आपका 2011 मार्च 31 और बाय बैलेंस सी डी 40,000। फिर हम लोग कर लेंगे टू बैलेंस
बीडी 40,000, डेट 2011, बीडी का तो 2011 अप्रैल फर्स्ट, यहाँ हो जाएगा 2012 मार्च 31st बाय बैलेंस सीडीए, क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग डेट होगा 40,000। इस अकाउंट में ऐसा तो कुछ करना है नहीं, ये हो गया सीडी, फिर हम लोग कर लेंगे ट्रू बैलेंस बीडी 40,000, डेट 2012 अप्रैल फर्स्ट, 2013 मार्च 31st बाय बैलेंस सीडी, फिर से वही 40,000। सीडी के बाद बीडी, टू बैलेंस बीडी 40,000 का अमाउंट, डेट 2013 अप्रैल फर्स्ट, 2014 मार्च 31st बाय बैलेंस सीडी 40,000। इसके बाद अब हम लोग आते हैं लास्ट ईयर में, 31st मार्च 2014 के बाद अब हम लोग आएंगे इधर सीडी को करेंगे बीडी 2014 अप्रैल फर्स्ट, टू बैलेंस बीडी 40,000। लास्ट ईयर अब हमारा हो जाएगा 2015 मार्च 31st, लास्ट ईयर के लास्ट डेट को हम लोग अब क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी तो डेबिट आइटम है, फंड में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट करना होगा, और डेबिट करेंगे डेप्सन फंड, इसको डेप्सन फंड को, तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्रेडिट हो गया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट 40,000। तो ये लास्ट ईयर करना है, तो लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा अलग कुछ देखने को मिलेगा, बाकी हर साल जो है उसी को हम लोग को रिपीट करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग लास्ट में बना लेंगे हम लोग लीज होल्ड पॉलिसीज अकाउंट। लीज होल्ड पॉलिसी कैसे बनाना है, तो पॉलिसी जो हम लोग हर साल 7,600 रुपये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी पॉलिसी खरीद रहे हैं, उसके लिए एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री हम लोगों ने किया है लीज होल्ड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पहले साल से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये हमारा हो जाएगा डेट 1st अप्रैल 2010 से, तो 2010 अप्रैल फर्स्ट पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो करेंगे पॉलिसी डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, पहला साल 7,600, फिर हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि और तो कुछ होना नहीं है बीच में, जो होना है अब लास्ट ईयर को ही होगा। चलो ये हो जाएगा 2011 31st मार्च। चलो तो जितना सीडी हो जाएगा उतना ही हमारा हो जाएगा बीडी टू बैलेंस बीडी 7,600, ये हो जाएगा 2011 अप्रैल फर्स्ट को, और सेम डेट को हम लोग फिर इन्वेस्ट करेंगे टू बैंक अकाउंट, फिर से पॉलिसी खरीदेंगे इस साल वाला, ये साल के स्टार्टिंग डेट को ही हम लोग पॉलिसी खरीदते हैं 15,200, इतना ही पैसा बाय बैलेंस सीडी 15,200, और डेट होगा 2012 31st मार्च, सेम इसी 15,200 को टू बैलेंस बीडी,
डेट 2012 अप्रैल फर्स्ट को फिर से हम लोग सेम डेट को पॉलिसी खरीदेंगे तो टू बैंक अकाउंट 7,600 22,800 का बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 22,800 2013 31 मार्च जितना सीडी उतना ही हम लोग कर देंगे टू बैलेंस बीडी 22,800 डेट होगा 2013 अप्रैल फर्स्ट सेम डेट को हम लोग फिर इस साल का पॉलिसी खरीदेंगे टू बैंक अकाउंट 7,600 30,400 बाय बैलेंस सीडी 30,400 डेट 2014 31 मार्च जितना सीडी उतना ही बीडी टू बैलेंस बीडी 30,400 डेट होगा 2014 अप्रैल 1st। अब देखिए ये हमारा लास्ट ईयर आ गया है ना, लास्ट ईयर को क्या करेंगे, ये जो हमारा लीज होल्ड पॉलिसी अकाउंट जो है इस अकाउंट को हम लोग लास्ट ईयर क्लोज कर देंगे और हम लोग एंट्री करेंगे। इस साल हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी को हम लोग सरेंडर कर देंगे और पैसा आ जाएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज होल्ड पॉलिसी, तो लीज होल्ड पॉलिसी क्रेडिट हो जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। लीज होल्ड पॉलिसी एक तरह का बिजनेस के लिए एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, जब बढ़ता है तो डेबिट साइड में और घटता है तो क्रेडिट साइड में। 40,000 हम लोग को मिल गया, ठीक है, 40,000 हम लोग को मिल जाएगा और ये हो जाएगा घटना घटेगा हमारा 2015 को 31 मार्च को। लेकिन इस साल फिर से हम लोग जो है ना 2015 को ही अप्रैल फर्स्ट को हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, सेम वही टू बैंक अकाउंट 7,600 जो है हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इसका लास्ट ईयर के लिए जो डेट है ना आप इसको चेंज कर लेना, इसको आप कर लेना 31 मार्च, ठीक, तो ये 7,600। अब आप देखिए हम लोगों को 40,000 का जो है ये पैसा हम लोग को रिसीव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का अगर टोटल आप देखिएगा तो ये 38,000 ही हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखिए 30,037 और 38,000 2,000 का जो बैलेंस है इसको फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एंट्री करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू लीज होल्ड पॉलिसी, तो फंड डेबिट होगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्रेडिट होगा, तो डेबिट साइड में ही हम लोग लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ठीक है, सेम डेट को ये एंट्री आपको पास करना है। सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया है, आप देख रहे हैं 38,000 का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, 40,000 हमको रिसीव हो रहा है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2,000 का हम लोग को प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। चलो जी, और अब क्या है ना कि ये एक दो क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, ये दो क्वेश्चन जो है ये आपको होमवर्क के लिए है, ये दो क्वेश्चन आप बनाएंगे सेम इसी मेथड से रिलेटेड है। चलो जी फटाफट से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारा कुछ आ गया, चलो, तो आज हम लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी फंड का जो नेसेसरी अकाउंट बचा हुआ था पिछले लेक्चर में, आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अकाउंट आपको समझ में आया या नहीं आया,
अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से कुछ हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।